हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर से आप लोगों को VMC ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है टाइम एंड वर्क। ये आपका सब्जेक्ट है जनरल मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स का बहुत दिनों से डिमांड था कि सर जनरल मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक बताइए, तो मैंने सोचा कि टॉपिक जो है का टॉपिक का स्टार्ट ही कर दिया जाए। तो मैंने आज टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है। तो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, और अगर देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग टाइम को व्यर्थ ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे अब आते हैं। टॉपिक का नाम है आपका टाइम एंड वर्क। ये आपका जो है विथ शॉर्ट ट्रिक, कहने का मतलब एकदम आराम से आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक के साथ समझना है और फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ समझना है। तो हम लोग सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं टाइम एंड वर्क का, कि इसका थ्योरी क्या क्या होता है, उसके बाद हम लोग फिर क्वेश्चन पे चलेंगे। तो थ्योरी में आपका है, देखते हैं हम लोग क्या क्या है। तो टाइम एंड वर्क, टाइम का मतलब होता है समय और वर्क का मतलब होता है काम। ठीक है, समय और काम के बारे में हम लोगों को डिटेल जानना है। तो समय और काम को हम लोग को जानने से पहले हम लोगों को इफिशियंसी जानना होगा। ठीक है, तो इफिशियंसी का मतलब होता है क्षमता। इफिशियंसी का मतलब क्षमता। इसका कहने का मतलब हुआ कि इकाई समय में किया गया काम, जो इकाई समय में किया गया काम होता है वही आपका क्या कहलाता है, इफिशियंसी यानी क्षमता कहलाता है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इकाई समय में किया गया काम को क्या कहा जा रहा है, इफिशियंसी। तो यहाँ तक तो हम लोग समझ रहे हैं कि में किया गया काम, ठीक है, कितना में, इकाई समय में। इकाई समय मतलब होता क्या, इकाई समय मतलब आपका जो है डे भी हो सकता है, डे मतलब दिन, आवर भी हो सकता है, आवर मतलब क्या घंटा, और मिनट्स भी हो सकता है और सेकेंड भी हो सकता है। इकाई समय में आपका इतनी सारी चीज़ों में से कुछ भी आपका रह सकता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि ए नाम का कोई मान लीजिए व्यक्ति है जो कितना दिन, एक दिन काम कर रहा है, और कितना काम कर रहा है, एक काम कर रहा है। तो अतः हम लोग समझते हैं कि इसको देखते हैं कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से अगर निकालना चाहें तो एक दिन में जो है ये व्यक्ति ये आपका एक काम कर रहा है। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें कि एक दिन में जो ये व्यक्ति है वो कितना काम कर रहा है, तो जब एक दिन में एक वर्क कर रहा है तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 1/x वर्क करेगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल में आपका पहला है कि कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति है जो कितना दिन, 15 दिन काम कर रहा है, और कितना वर्क कर रहा है, एक वर्क कर रहा है। तो इसका अगर इफिशियंसी हम लोग निकालना चाहें तो क्या कहेंगे, क्या करेंगे इसको, इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग 15 दिन में कितना काम कर रहा है, एक काम, इसीलिए एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1/15 वर्क, यानी 15 काम हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ जो आप आया था एक दिन में 1/x वर्क, यही आपका क्या था, इफिशियंसी था। इफिशियंसी आपका क्या कह रहा था कि इकाई समय में किया गया कार्य। तो इकाई समय में मतलब जो भी आपका जो ये काम किया गया है, जितना वर्क हो गया, वटा ये आपका क्या हो गया, टाइम जो हो गया, जितना टाइम ले रहा है, टाइम जितना में जितना दिन में कर रहा है, वही आपका क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही आपका यहाँ निकला है, ये व्यक्ति का जो इफिशियंसी आपका निकला कितना, 1/15 वर्क। तो दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, ये नाम, यही जो है आपका ये व्यक्ति है, आई आपका 15 दिन वर्क कर रहा है और कितना, 60 वर्क कर रहा है। ठीक है, कहने का मतलब 15 दिन में 60 वर्क कर रहा है, तो एक दिन में कितना वर्क करेगा, 60/15। कहने का मतलब इसका अगर इफिशियंसी देखना चाहें हम लोग तो कितना हो जाएगा, 4 वर्क। ठीक है, इसको काटेंगे तो 4 से कटेगा, यानी आपका कितना आ जाएगा, एक का जो इफिशियंसी है 4 वर्क हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से 15 दिन काम वही था, 15 दिन कर रहा था, 15 दिन कर रहा था, दिन वही था, 15 दिन काम कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आपका 1 वर्क था और यहाँ पे आपका कितना है, 60 वर्क है। जब 1 वर्क था तो आपका इफिशियंसी का कितना आ रहा था,
1/15 वर्क आ रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपका 60 वर्क हो गया तो वहाँ पे आपका जो इफिशियंसी जो है एक कितना आ गया, 4 वर्क आ गया। तो इसी तरीका से हम लोग आगे समझते हैं कि यदि कार्य W हो, क्या हो, यदि कार्य कहने का मतलब काम W हो, समय T हो, तो इफिशियंसी क्षमता क्या होगा। ठीक है, टी मतलब टाइम होता है और W मतलब वर्क होता है। यहाँ से हम लोग समझते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका E बराबर हम लोग लिखते हैं इफिशियंसी, यानी इफिशियंसी बराबर वर्क बटा टाइम। यहीं से हम लोग देख रहे थे कि यहाँ पे वर्क आ रहा था, नीचे आपका क्या रहा था, टाइम आ रहा था। यहाँ भी हम लोग देखें, यहाँ भी हम लोग देखें कि ऊपर में क्या आपका वर्क था, नीचे में टाइम था। यहीं से हम लोग को क्लियर पता चला कि E बराबर यानी इफिशियंसी बराबर वर्क बटा टाइम होता है, और यहाँ पे आपका W को, वर्क को हम लोग क्या लिखेंगे, W लिखेंगे, और टाइम को हम लोग T लिखेंगे। ठीक है, तो ये आपका अभी भी I फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फार्मूला क्या, कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, फार्मूला को रटना नहीं। ठीक है, दूसरा अगर यहीं से देखना चाहें हम लोग, यहीं से अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ से हम लोग अगर टाइम निकालना चाहें, ठीक है, तो टाइम निकालना चाहें तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम इंटू, यहाँ से अगर टाइम निकालना चाहें तो हम लिख सकते हैं टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर वर्क लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग टाइम बराबर लिख सकते हैं वर्क बटा इफिशियंसी, कहने का मतलब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, टाइम बराबर वर्क बटा इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर वर्क आएगा। यहाँ से जब क्या निकालेंगे हम लोग, टाइम निकालेंगे तो आपका इफिशियंसी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ से निकल कर टाइम इज इक्वल टू वर्क बटा इफिशियंसी, जहाँ पे हम लोग वर्क को हम लोग W से डिनोट करते हैं और इफिशियंसी को हम लोग E से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये भी आपका एक VVI फार्मूला है। अब अगला भी देखें हम लोग, तो अगला यहाँ से अगर हम लोग वर्क निकालना चाहें तो वर्क के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से वर्क इज इक्वल टू आ जाएगा टाइम इंटू इफिशियंसी। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इंटू इफिशियंसी, यानी टाइम को हम लोग T से डिनोट करेंगे, इफिशियंसी को हम लोग E से डिनोट करेंगे। चलिए आगे कुछ हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो अगला आपका कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन आपको किस तरीका से पूछता है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए कह रहा है यहाँ पे, यदि ए किसी काम को X दिन में तथा बी उसी काम को Y दिन में करता है तो दोनों व्यक्ति मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे। कहने का मतलब हुआ कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक बी नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है, और ए जो है आपका X दिन में काम कर रहा, बी आपका Y दिन में काम कर रहा, लेकिन काम क्या है, एक ही है। तो आप कह रहा है कि दोनों व्यक्ति अगर मिल जाए, ठीक है, साथ में अगर मिल करके काम करे तो कितने दिनों में समाप्त कर देगा। तो हम लोग सोल्यूशन में देखते हैं इसको किस तरीका से, क्वेश्चन आपका इसी तरीका से रहेगा, सिर्फ वैल्यू दिया रहेगा, बाकी कंडीशन आपका इसी तरीका से रहेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर इसका सोल्यूशन समझते हैं तो इसके अनुसार फिर हम लोग क्वेश्चन भी समझ लेंगे। तो सोल्यूशन में आपका मान लीजिए कि ए आपका क्या है, एक आपका बी है, तो ए आपका व्यक्ति एक हो गया, ए आपका बी नाम का व्यक्ति है, ठीक है, और ए जो है आपका X दिन में काम कर रहा है, बी आपका Y दिन में काम कर रहा है, ठीक है। तब यहाँ पे हम लोग को करना क्या रहता है कि यहाँ से एक ऐसा यहाँ पे अंक यानी डिजिट लेना है कि जो दोनों से क्या हो सके, कट सके। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, साफ आप लोगों को माइंड में, क्लियर आप लोगों को माइंड में रखना है कि दोनों का क्या निकालते हैं हम लोग, LCM निकालते हैं और उस LCM को हम लोग यहाँ रखते हैं, और ये जो निकल के जो आता है LCM जो यहाँ रखते हैं, ये आपका क्या होता है, टोटल वर्क होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर हम लोग अब देखें कि यहाँ से हम लोग इफिशियंसी निकालना चाहें, कहने का मतलब ये आपका क्या, ये आपका टोटल वर्क बता रहा है, लेकिन इसके और इसके बीच जो आपका निकलेगा इफिशियंसी निकलेगा, और इसके इसके बीच जो निकलेगा आपका इफिशियंसी निकलेगा। तो हम लोग दोनों का इफिशियंसी पहले निकाल लेते हैं। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू हम लोग जानते ही हैं कि क्या होता है, टोटल वर्क बटा इफिशियंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क तो हमको पता चलेगा, ठीक है, लेकिन टोटल इफिशियंसी भी तो हम लोग को जानना जरूरी है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी पहले निकालेंगे। तो अब X का इफिशियंसी, कहने का मतलब ए व्यक्ति का इफिशियंसी निकाल लेंगे, ए व्यक्ति का इफिशियंसी निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, इफिशियंसी बराबर हम लोग जानते हैं वर्क बटा टाइम। तो वर्क मेरा कितना है, XY है, XY हो गया,
और बटा टाइम कितना कितना दिन ले रहा था, एक्स दिन ले रहा था, तो इसलिए एक्स हो गया बटा में, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, वाई बचेगा, ठीक है। तो ए मेरा जो है ए व्यक्ति का एफिशिएंसी निकल गया कितना, वाई। अब हम लोग बी व्यक्ति का एफिशिएंसी निकालते हैं, तो बी व्यक्ति का एफिशिएंसी निकालने के लिए एफिशिएंसी बराबर हम लोग जानते हैं कि वर्क बटा टाइम होता है, तो यहाँ से वर्क कितना हो गया टोटल, एक्स वाई हो गया, और बटा टाइम कितना हो गया, कितना दिन ले रहा है बी आपका काम करने में, वाई दिन ले रहा है, यानी वाई आपका टाइम हो गया, ठीक है, बटा में। अब इसको वाई से वाई कैंसिल होगा तो आपका एक्स बचेगा, ये आपका एक्स जो निकला ये आपका बी व्यक्ति का क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। अब दोनों का एफिशिएंसी हम लोग मिलाएंगे कि कितना दोनों का एफिशिएंसी आया है, तो इसका एफिशिएंसी एक्स हो गया, इसका एफिशिएंसी वाई हो गया, दोनों को मिलाएंगे तो एक्स प्लस वाई आएगा, ये आपका दोनों की एफिशिएंसी करने में दोनों की क्षमता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से हम लोग को निकालना क्या था कि दोनों मिलकर कितना दिनों में काम करेगा, तो दोनों का हम लोग टोटल वर्क पता चल गया और दोनों का हम लोग का एफिशिएंसी पता चल गया कि कितना एफिशिएंसी इन लोग के अंदर है, कितना इन लोग के अंदर क्षमता है, ठीक है। अब हम लोग टाइम पता कर सकते हैं कि कितना दिनों में दोनों मिलकर के काम कर देगा, काम एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं क्या लिखेंगे, टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, यहाँ से हम लोग देखे थे टाइम इज इक्वल टू निकाले थे वो टोटल वर्क बटा एफिशिएंसी, ठीक है। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, टाइम बराबर टोटल वर्क मेरा कितना आया है, एक्स वाई आया है, एक्स वाई हो गया, और बटा एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी मेरा टोटल कितना आया था, एक्स प्लस वाई, तो यहाँ से मेरा एक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है आपका क्वेश्चन इसी टाइप का रहेगा, सिर्फ वैल्यू चेंज रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आपका दोनों मिल करके जब काम करवाना रहे तो इस तरीका से हम लोग यूज करके बनाएंगे। ये आपका मेथड कितना था, वन था। एक और मेथड से हम लोग बना सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो वह मेथड क्या है, वो मेथड को हम लोग समझते हैं। तो वो मेथड आपका है मेथड टू। जो मेथड टू जो हम लोग बेसिक समझे थे एफिशिएंसी के बाद, जो हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, यहाँ पे जो हम लोग एफिशिएंसी के बाद यहाँ पे देखे थे, इसके आधार पे हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। तो इसके आधार पर जब हम लोग देखते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए मेथड टू में मान लिया कि ये जो है आपका व्यक्ति है जो आपका एक्स दिन काम कर रहा है, जो आपका एक दिन में कितना, एक वर्क कर रहा है, और बी जो आपका व्यक्ति है वाई दिन काम कर रहा है, जो भी आपका कितना, एक ही वर्क कर रहा है, क्योंकि काम तो आपका सेम था, ठीक है, लेकिन अलग अलग टाइम दोनों ले रहा था। तो अब क्या करेंगे कि एक दिन का इसका काम निकालेंगे और बी व्यक्ति का भी एक दिन का काम निकालेंगे और ए व्यक्ति का भी एक दिन का काम निकालेंगे। तो ए व्यक्ति का जब एक दिन का काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वन बाई एक्स हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि इसको अगर करेंगे तो एक्स दिन में कितना, एक वर्क, कहने का मतलब यहाँ से कर सकते हैं कि एक्स दिन में कितना, एक वर्क, तो इसीलिए एक दिन में कितना, वन बाई एक्स वर्क होगा। यहाँ से हम लोग देखेंगे यहाँ से वही हो रहा है कि जब आपका एक दिन में एक वर्क हो रहा था तो आपका एक दिन में निकालेंगे तो ए वन वाई कितना हो जाएगा, एक्स वर्क हो जाएगा। तो यही से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिए हम यहाँ पे कि एक दिन में कितना, वन बाई एक्स वर्क, और बी व्यक्ति के लिए कितना हो जाएगा, एक दिन में वन बाई वाई वर्क, ठीक है। अब दोनों का हम लोग क्या निकालते हैं, एक दिन का वर्क निकालते हैं। दोनों का वर्क अगर निकालेंगे एक दिन का तो कितना हो जाएगा, वन बटा एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा, वन बटा वाई। यहाँ से एक दिन का वर्क क्या हो जाएगा, इसको दोनों का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू वाई आएगा। तो एक्स इंटू वाई को जब एक्स से क्या देंगे, डिवाइड देंगे, तो मेरा क्या बचेगा, वाई बचेगा। वाई को फिर इसके साथ गुना करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा वाई बचेगा प्लस। अब एक्स वाई में वाई से भागा देंगे तो मेरा कितना बचेगा, एक्स बचेगा। एक्स को जो बचेगा वो एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा एक्स ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरा एक दिन का जो है आपका एक्स प्लस वाई बटा एक्स इंटू वाई आपका क्या आ गया, वर्क आ गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो हम लोग जानते हैं, शुरू में ही हम लोग देखें, हम लोग क्या जानते हैं, शुरू में हम लोग देखें कि वर्क जो होता है, सॉरी टाइम जो होता है, वर्क का क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। और टाइम जो है वर्क का क्या होता है, उल्टा होता है, और वर्क जो है टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम लोग को ये समझना है। तो हम लोग यहाँ पे ई आपका क्या निकला है, वर्क निकला है। तो वर्क निकला है तो हमको टाइम निकालना है। तो टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस इसी को क्या करते हैं, पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। उल्टा कहने का मतलब ये जो है नीचे वाला ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला नीचे आ जाता है। तो यहाँ पे टाइम इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपका दूसरा मेथड था। तो ये भी आपका वी वी आई है, इस तरीका से आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन हम मेरा उम्मीद से जो है
आप लोग का मेथड वन ही बेहतर रहेगा, ये आप लोगों के लिए आसान भी रहेगा। ये आप लोग का डिपेंड करता है कि आप लोग का किस तरीका से समझने का जो भी है, किस तरीका से आप लोग समझ पाइएगा। इसीलिए हम क्या किए कि दोनों मेथड बता दें, ठीक है। तो आप दो मेथड से कोई भी मेथड से आप लोग माइंड में रख सकते हैं, जिसको जो भी समझ में आए। चलिए अब हम लोग अगला टाइप के देखते हैं कि किस तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता था, तो उसका थ्योरी देख लेते हैं। तो कहता है कि यदि ए किसी काम को एक्स दिनों में तथा बी उसी काम को वाई दिनों में तथा सी उसी काम को जेड दिनों में करता है, तो तीनों व्यक्ति मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपका कह रहा है कि ए नाम का कोई व्यक्ति है जो आपका एक्स दिन में काम कर रहा है, बी नाम का कोई व्यक्ति है जो आपका वाई दिन में काम कर रहा है, और सी नाम का जो कोई व्यक्ति है वो आपका जेड दिन में काम कर रहा है, लेकिन तीनों का जो काम है एक ही काम है, एक ही काम को तीनों कर रहा है। लेकिन अब पूछ रहा है, तीनों अलग अलग समय ले रहा है, लेकिन अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तीनों मिल करके उस काम को कितने दिनों में समाप्त कर देंगे। तो इसके लिए हम लोग सोल्यूशन देखते हैं कि कैसे हम लोग को सोल्यूशन करना है अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग देखते हैं कि ए नाम का कोई व्यक्ति है और एक आपका बी नाम का कोई व्यक्ति है, एक सी नाम का कोई व्यक्ति है, और ए जो है आपका एक दिन में काम कर रहा है, बी आपका वाई दिन में काम कर रहा है, सी आपका जेड दिन में काम कर रहा है। तो जिस तरीका से हम लोग दो व्यक्ति के लिए पिछले टाइप में देखे थे, ठीक है, तो उसी तरीका से हम लोग इसमें तीन व्यक्ति के लिए देखेंगे। तो उस बस काम वही करना है। काम क्या करना है कि तीनों व्यक्ति जो है आपका दिन जो है तीनों को क्या करेंगे, अगर हम लोग LCM निकाल देंगे, ठीक है, तो जो LCM निकालेंगे वो आपका क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग इस बीच हम लोग क्या देखे थे कि इफिशियंसी निकाला जाता है, और इसके बीच जो भी इफिशियंसी आपका निकाला जाता है, उस तरीका से हम लोग क्या करेंगे कि इफिशियंसी निकालेंगे। इफिशियंसी के लिए हम लोग जानने करते हैं, क्या जानते हैं कि वर्क बटा क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो इफिशियंसी अगर यहाँ से हम लोग एक्स के लिए अगर ए व्यक्ति के लिए अगर निकालेंगे, ए व्यक्ति के अंदर कितना क्षमता है, उसका क्षमता निकालने के लिए वर्क बटा क्या करेंगे, टाइम करेंगे, ठीक है। तो वर्क बटा टाइम करेंगे, तो यहाँ से देखिए वर्क क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया, और टाइम कितना है, एक्स दिन ले रहा है, तो एक्स ने डिवाइड किए तो कितना हो गया, एक्स खत्म हो तो कितना बच गया, वाई जेड बच गया। उस तरीका से अगर बी व्यक्ति का हम लोग क्या निकालेंगे, इफिशियंसी निकालेंगे कि बी व्यक्ति के अंदर कितना क्षमता है काम करने का, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, एक्स वाई जेड बटा वाई करेंगे, तो वाई से वाई कैंसिल होगा, तब क्या मेरा बचेगा, एक्स जेड बचेगा। उसी तरीका से हम लोग सी व्यक्ति के अंदर कितना क्षमता है उसको अगर हम लोग देखना चाहें, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड बटा जेड करेंगे, तो मेरा जेड से जेड कैंसिल होगा, एक्स वाई मेरा बचेगा यहाँ से। जैसे हम लोग यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ से एक्स वाई जेड बटा क्या करेंगे, जेड करेंगे तो जेड सेट खत्म, तो एक्स वाई बचेगा, आई एक्स वाई आपका क्या है, यहाँ पे है, ठीक है। इसके लिए अगर देखें तो एक्स वाई जेड बटा क्या करेंगे, वाई करेंगे, तो वाई वाई कैंसिल, यानी एक्स जेड बचा, यानी यहाँ से एक्स जेड आपका यहाँ पे है, ठीक है। ये तीनों का क्या निकल गया, एक्स का आपका जो है सॉरी ए व्यक्ति के लिए आपका एफिशियंसी वाई जेड निकल गया, बी व्यक्ति का एफिशियंसी आपका जेड एक्स निकल गया, सी व्यक्ति का एफिशियंसी आपका एक्स वाई निकल गया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि टाइम बराबर, हम लोग पिछले लेक्चर में यहाँ पे हम लोग देखें कि टाइम बराबर क्या है, वर्क बटा एफिशिएंसी, ठीक है। कहने का मतलब हम लोग जब टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लिए, यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे टोटल वर्क निकाल लिए, तो हम लोग यहाँ पे यही कह सकते हैं कि टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क बटा टोटल एफिशिएंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क तो हमको मालूम हो गया, अब क्या करेंगे, हम लोग टोटल एफिशिएंसी निकालेंगे। तो टोटल एफिशिएंसी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों का एफिशिएंसी हम लोग क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीनों का एफिशिएंसी जो जोड़ेंगे तो एक्स वाई हो गया प्लस वाई जेड हो गया और प्लस जेड एक्स हो गया, ठीक है। ये तीनों का क्या आ गया, एफिशिएंसी आ गया, सॉरी यहाँ पे बोथ नहीं होगा, यहाँ पे थर्ड होगा, यानी तीनों का, ठीक है, थर्ड एफिशिएंसी तीनों का होगा। तो यहाँ से निकालेंगे, तीनों का एफिशिएंसी निकालेंगे तो इतना आया, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइम निकाल देंगे, तो टाइम कितना लेगा, तीनों मिल करके उसी काम को कितना दिन में करेगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क, यानी टोटल वर्क मेरा एक्स वाई जेड हो गया, और बटा टोटल एफिशिएंसी कितना आया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपका क्या निकल गया, तीनों मिल करके कितने दिनों में उस काम को समाप्त कर सकते हैं, वो आपका यहाँ से निकल गया।
क्वेश्चन में आपका इसी तरीका से रहेगा, सिर्फ वैल्यू आपका अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे एक कोई व्यक्ति नाम दे देगा और यहाँ पे एक्स के जगह पे कुछ दे देगा आपका दिन में 15-20 जो भी है, और उस तरीका से बी के लिए भी दे देगा, सी के लिए भी दे देगा, ठीक है। और बस सेम काम करना है इसी तरीका से, तो आप लोग का जो है क्वेश्चन अच्छी तरीका से सोल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं होगा। ये आपका मेथड 1 था, ठीक है, इसके लिए तीन व्यक्ति के लिए। अब इसके मेथड 2 जो है हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, लेक्चर 2 में। तो अभी आपका थ्योरी जो है आपका एक दो ही लेक्चर जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जितना करना रहे उतना हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे, जो आप लोग का जितना एंट्रेंस एग्जाम में जो है पॉलिटेक्निक ITI, ठीक है, पारा मेडिकल, इस समय जितना क्वेश्चन आप लोगों को पूछता है वही उसी टाइप का क्वेश्चन हम इसमें सोल्व करवाएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को यहीं तक। थैंक यू सो मच।